हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। सो आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 0 to 3 months की एज के लिए बच्चों को हमें कौन से टॉयज देने चाहिए, क्योंकि इस एज में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या बच्चों को कोई टॉयज देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए, और टॉयज को सिलेक्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इनके लिए हम पहले ही अपने 2 videos लॉन्च कर चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो 0 to 3 months में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी। तो नंबर 1 टॉय फॉर देम इज़ उनके पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा। आप जितना ज़्यादा उनके पास रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। ज़्यादा टॉयज़ नहीं बट आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप अपनी बिजी शेड्यूल में से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके ज़रूर निकालें और अपने बच्चे के पास रहें जितना हो सके उतना। और बच्चा जो है वो आपको देखना चाहता है, वो छूना भी चाहता है, लेकिन अभी उसके हाथ पैर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट वो जितना ज़्यादा आपको देखेगा आपको पहचानेगा, तो आप उसके सामने ही रहें। और जब भी आप बात करते हैं बेबी से या उससे उसके पास जाते हैं तो आप कोशिश करें कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज बात करें, क्योंकि बच्चों की जो विजन होती है बहुत दूर की डेवलप नहीं होती है, तो इसलिए आप उसको फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस से ही बात करें, क्योंकि बच्चा ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। तो 0 to 3 months आप बच्चे के बहुत ही पास जाके उससे बात करें और काफ़ी अच्छे से बात करने की कोशिश करें, थोड़ा स्लो और पेज में बना के बात करें उससे। नंबर 2 इज़ जब बेबी छोटा होता है 0 to 3 months तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, वो खुद से बैठ भी नहीं सकता है, वो चल भी नहीं सकता है, ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं चला सकता है, बट एक चीज़ वो हमेशा करता है वो है अपनी आंखों का यूज़ करना। वो हमेशा देखता रहता है उसके सामने कुछ भी है, और ज़्यादातर बच्चे क्योंकि अपनी बैक पे होते हैं तो वो हमेशा ऊपर देखते हैं, और इस समय हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कोई भी कॉट मोबाइल या कोई भी ऐसे हैंगर टॉयज, यानी कि जो बच्चों को उनके प्रैम या क्रिब या फिर जहाँ भी वो सोने वाला है उस जगह पर आप हैंग कर देते हैं, और वहाँ से वो टॉयज बच्चा देखता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे वो एक्शन दिखता है उसको बच्चा अपनी आईज उसके साथ चलाता है और इसको कैच करने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन सब चीज़ों को लर्न करता है। इसलिए आप कॉट हैंगर टॉयज लेना बिल्कुल मिस ना करें। नंबर 3 इज़ क्योंकि बच्चों की हियरिंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है इस समय, तो इस समय आप उनको डिफरेंट डिफरेंट रैटल्स दे सकते हैं। बच्चा सुन तो तभी सकता है जब वो आपके पेट में होता है, तो इसलिए आप रैटल्स ज़रूर खरीद सकते हैं। हाँ, बच्चा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगा, बट आप रैटल लेके अगर एक साइड से दूसरी साइड धीरे धीरे करके मूव करते हैं तो बच्चा पूरी कोशिश करता है कि वो उसको कैच कर सके अपनी आइज के थ्रू। इससे भी एक सेंस ज़रूर उसका एक्टिव हो रहा है, और इसलिए आप रैटल्स का यूज़ करें अपने बच्चे को अपने साथ इंटरेक्ट कराने के लिए, और बच्चा भले उस पर ज़्यादा एक्शन अभी नहीं लेगा बट हाँ कुछ ना कुछ वो सुन रहा है और वो देख रहा है। तो जब रैटल्स आप लेते हैं तो आप कोशिश करें कि उसकी साउंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो, और साथ ही साथ उसमें जो कलर्स हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो ये दोनों चीज़ें छोटे बच्चे के लिए यानी कि 0 to 3 months के बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रैटल लेते हैं तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। साउंड के साथ ही साथ बच्चों की विजन भी डेवलपिंग फेज में होती है, उसी टाइम पे बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा कलर्स यानी कि हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स दिखाने होते हैं, यानी कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आते हैं, प्लस बुक्स भी आती हैं, और साथ ही साथ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट जो बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स हैं, या फिर रेड एंड येलो, इनके कॉम्बिनेशन में टॉयज आते हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में बुक्स आती हैं जिनमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, और बच्चा भले उस पर बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देगा अभी, लेकिन हाँ वो उसको समझ रहा है, उसको ये कलर्स जो हाई कॉन्ट्रास्टिंग है वो समझ भी आते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर लें अपने बच्चे के लिए, और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो कलर्स भी समझेगा, अभी सारे कलर्स वो नहीं पहचान सकता है। और हाँ, जब भी आप ये चीज़ें दे रहे हैं उसे तो कोशिश करें उसकी नज़रों के बहुत पास रखें, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत दूर से दिखाना शुरू कर दिया और आपको लगेगा कि बेबी जो है वो देख पा रहा है, क्योंकि बेबी की अभी विजन उतनी दूर की डेवलप नहीं है, तो आप उसको पास में रखें। ये आप तब कर सकते हैं जब आप बच्चे को टमी टाइम दे रहे हैं, उस टाइम पे आप बच्चे के जस्ट सामने आप रख दें कार्ड्स या ये बुक्स या ऐसे टॉयज, और बच्चा उन पे ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, उन्हें कुछ ना कुछ समझ आ रहा है उसे देखकर, और उसके बहुत सारे सेंसेस एक साथ एक्टिव होते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि कुछ हाई कॉन्ट्रास्ट टॉयज और कुछ हाई कॉन्ट्रास्ट बुक्स उन पे ज़रूर इन्वेस्ट करें।
बाकी सेंसेस के साथ साथ बच्चे की और भी सेंसेस हैं, यानी कि टच की सेंसेस है, वो भी डेवलप हो रही हैं। और इसी के टाइम पे आपको अपने बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर्स भी इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट्स आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स से बने हुए होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे सेंसरी बॉल्स आती हैं, तो आप ऐसे ब्लैंकेट्स बच्चों को दे सकते हैं जो कि बच्चे लेते हैं, उसमें क्रिंकली साउंड भी होता है और बहुत सारी तरीके के टेक्सचर्स होते हैं, तो बच्चा उनको अलग अलग जगह पर टच करके तरह तरह के टेक्सचर्स को फील करता है। तो ये इस एज में बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तो आप ऐसे टेक्सचर्स वाली चीज़ें बच्चों को ला के दें। और साथ ही साथ कुछ सेंसरी बॉल्स आती हैं जो कि आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप जनरली ऐसे बॉल्स का छोटा सा कॉम्बिनेशन लेकर बच्चे को टमी टाइम के टाइम पे देंगे तो बच्चा उसको होल्ड करने की या ग्रैब करने की कोशिश करना चाहेगा। हाँ, अभी वो उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं डेवलप हुई उसकी, लेकिन फिर भी उसके आईज, उसके बाकी एक्शन जो है वो आपको जरूर इस तरीके से बताएंगे कि वो इसमें इंटरेस्टेड है और आप ऐसी चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट करें। सिक्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बच्चे के लिए ले सकते हैं इस एज में, वो है एक एक्टिविटी जिम। बेबीज़ के लिए कोई प्ले जिम्स आते हैं जिनमें नीचे बेस बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसमें आप बच्चे को लिटा देते हैं और ऊपर काफ़ी सारे हैंगिंग टॉयज होते हैं, और आप जब बच्चे को वहाँ लिटाते हैं तो बच्चा उनको देखता है। अभी वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्शन नहीं लेगा, बट हाँ, वो उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ अपने विजन के थ्रू उन्हें कैच करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ इसमें अगर बच्चा पैर मारने की एज में है या ऐसा कुछ है, तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड मशीन होती है, जैसे कि पियानो या कुछ लगा होता है, और बच्चा जब उस पर पैर मारता है तो वहाँ कुछ आवाज़ होती है और बच्चा इससे कॉज एंड इफेक्ट भी सीखता है। तो आप एक अच्छे एक्टिविटी जिम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूजफुल रहेगा। जब आपका बच्चा छोटा है, 0 to 3 months, तब भी उसके लिए यूजफुल है, उसके आगे जब 6 months की एज आती है तब भी वो उसके लिए यूजफुल है और आगे भी वो उसे यूज़ कर सकता है। तो आप एक एक्टिविटी जिम बच्चे के लिए ज़रूर लें। 7th है स्टार प्रोजेक्टर। आप चाहे तो अपने बच्चे के लिए स्टार प्रोजेक्टर ले सकते हैं। इसमें बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक होती है, सिंपल, एंड साथ ही साथ आपके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्टार या डिफरेंट एनिमल शेप्स या एनिमेटेड कार्टून्स आपको आपकी रूफ पे वो प्रोजेक्ट करके दिखाता है। तो बच्चा क्योंकि कुछ और नहीं कर सकता है, वो बस ऊपर देख सकता है, तो जब ऐसी प्रोजेक्शन आपकी रूफ पे हो रही होती है तो बच्चे को वो दिखती है और बच्चा उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता है और कुछ ना कुछ उसके लिए इंट्रैक्टिव होता है, तो वो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ इसकी जो अच्छी सी साउंड है वो भी बच्चे को सोने में और अच्छे एक हैप्पी माहौल देने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप साउंड प्रोजेक्टर भी बच्चे के लिए ले सकते हैं। इस एज में बच्चे को आप अगर कोई मिरर टॉय देते हैं, कुछ अच्छे क्वालिटी के टॉयज आते हैं जिनमें मिरर इनबिल्ट होता है, या फिर साथ में ऐसे मिरर्स भी आते हैं जो बेबी प्रूफ होते हैं, जिसको जनरली एक्रिलिक मिरर से बनाया जाता है और वो नॉन ब्रेकेबल होते हैं, तो ऐसे मिरर्स आप बच्चों के लिए पास में रख सकते हैं। बच्चा जब अपने आप को देखता है तो उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है कि बेबीज को अपनी जैसी दिखने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप ऐसे मिरर्स बच्चों को ला के दे सकते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को चोट लगे, तो आप बहुत ही आराम से बच्चे को दिखा सकते हैं, बच्चा काफ़ी इंटरेक्ट करता है इन चीज़ों से, तो आप बेबी के लिए ऐसे मिरर्स भी ज़रूर उसके पास रखें। और लास्ट में बच्चों के लिए कुछ अच्छी बुक्स आप ज़रूर लें। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें बहुत पसंद हैं, और इसी कैटेगरी में बहुत अच्छी बुक्स आती हैं। हमारे पास भी बेबी के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी बुक्स हैं जो कि हमने ली हुई हैं, और बच्चे के लिए ऐसी बुक्स भी आती हैं जो आप उनके कॉट में हैंग कर सकते हैं, या आप कभी आपको उनको प्रैम में ले जाना है उनके लिए भी हैंगिंग बुक्स भी आती हैं, तो आप वो बुक्स भी ले सकते हैं। प्लस क्लॉथ की बुक्स आती हैं, जैसे आप वो बुक्स बच्चे को देते भी हैं और बच्चा अगर मुँह में डालने की भी कोशिश करेगा तो वो नुकसान नहीं करेगा, तो ऐसी बुक्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बच्चे को किसी भी तरीके से पेपर कट या इस सब का भी इशू नहीं रहेगा। तो आप ऐसी बुक्स बच्चों को लाके दे सकते हैं, तो बच्चे भले ही अभी कुछ पढ़ नहीं सकते बट वो जरूर उन इमेजेस को देखेंगे। इसमें बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं और काफी हाई कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस होती हैं, बच्चों की अटेंशन काफी आसानी से ग्रैब कर सकती हैं, और ऐसी बुक्स आप बच्चों को ज़रूर ला के दे सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप अपने बच्चे के लिए बुक्स रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा भले ही अभी आपके सारे वर्ड्स नहीं समझेगा बट वो आपके फेस के एक्सप्रेशन देखेगा और इसी से उसकी अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट होती है। तो आप जब बच्चों को कोई भी एक टाइम फिक्स कर सकते हैं कि सुबह या फिर रात में या फिर आफ्टरनून में, जब भी आपके पास टाइम है तब आप बच्चे के लिए थोड़ी सी कोई भी एक छोटी सी स्टोरी रीड कर सकते हैं या कोई बुक उसको दिखा सकते हैं, और बस आप उससे बात करेंगे तो भी उसे यही लगेगा कि
आप उसे कुछ बता रहे हैं, वो कुछ भी वर्ड नहीं समझेगा, बट आपके एक्सप्रेशन उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आप ऐसी बुक्स लें, बच्चों को रीड करें, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और इन सारी चीज़ों का जो हमने अपनी बेबी के लिए लिए हैं उनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे टॉयज जो हैं आपके बेबी को अभी भी यूज़ हो सकते हैं और आगे भी यूज़ होंगे, तो आप ऐसा मत सोचें कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आपको ये टॉयज पे इन्वेस्ट क्यों करना है। ये एक्चुअली 3 मंथ्स के टॉयज नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए उनका बेसिक बिल्डिंग जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझें कि आप अपने बच्चे की बेसिक जो डेवलपमेंट है उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप जब भी बच्चों के लिए टॉयज लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के टॉयज खरीदें, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हमने उसे कार्ड पर भी लिंक कर रखा है। तो फ्रेंड्स बस यही थे जो कि बेसिक टॉयज आपको बच्चों के लिए चाहिए 0 to 3 मंथ्स की एज में। कहने को तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बट कंसिडरिंग योर बजट एंड जो यूटिलिटी है बच्चे के लिए, इतने टॉयज आपके बच्चे के लिए 0 to 3 मंथ्स के लिए मोर देन इनफ है। और आप इतने टॉयज के साथ भी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए कितना अवेलेबल रहते हैं और बच्चे से कितना इंटरेक्ट करते हैं। तो आप अगर उतना करते हैं तो आपको बहुत सारे टॉयज लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके लिए यूज़फुल है, साथ ही साथ कुछ और लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती है तो आप ये वीडियो लाइक करें और कुछ और लोगों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी ही और वीडियोस भी देखना चाहते हैं। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां हम ये बताने वाले हैं कि 3 to 6 मंथ की एज के लिए बच्चों के लिए कैसे टॉयज सिलेक्ट करने हैं और कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको आप अगर कंसिडर करते हैं तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा अपने बच्चों के लिए 6 मंथ तक की एज के लिए टॉयज सिलेक्ट करना। और उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, तब तक हमारे पुराने वीडियोस देखें जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर यंग वंस। बाय बाय।